हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिजीत। पिछले बहुत सारे मुझे कमेंट्स आया कि बांग्लादेश के वीजा कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, उसका एक वीडियो में बनाओ। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में वो आपको बोला था, तो आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आया, तो आज उसी की रिगार्डिंग हम बात करेंगे कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, क्या क्या एक सिंपल प्रोसीजर कैसे फॉलो करके आप आराम से आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते लैपटॉप के स्क्रीन के। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप चाहो तो अपने मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। अपने मोबाइल पे दिए गए डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए एंड यहाँ पर टाइप करना है बांग्लादेश वीज़ा। पहला वाला जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना होता है। ये वाला मेन ऑफिशियल बांग्लादेश का पेज है और यहाँ पर मेंशन किया गया क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होता है जब अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए। ठीक है, तो ये सब आप सही से पढ़ के उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना होता है। ये आपने टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना होता है, तो मैंने दे दिया। उसके बाद इस कैप्चा सॉल्व करना होता है, E4YY3 देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है करंट लोकेशन। टोटल आपको 7 पार्ट होता है, मतलब 7 स्टेप होता है, 7 स्टेप होता है। 7 स्टेप को आपको क्लियर करने के बाद आपको वीज़ा मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको करंट लोकेशन आप टाइप कर दीजिए इंडिया। देन चूज फाइल, आपका जो फोटो है वो फोटो आप यहाँ पर अटैच करना होता है चूज फाइल पे क्लिक करके। उससे पहले और एक चीज़ आपको जानना होता है कि जो फाइल है, जो फाइल का साइज क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल जो है 45x35 mm का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइल का जो साइज है वो 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना फाइल सेव कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। मैंने अटैच के लिए, आप चाहते हैं उसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हो आगे सामने। एंड देन उसके बाद फर्स्ट नेम आज इन द पासपोर्ट में जो भी मेंशन है गाइस, उसके हिसाब से एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से बैठ के आप सही से पढ़ के सही से टाइप करना, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। क्योंकि एक गलती की वजह से आपके लेटर की वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और गाइस, मैं पहले से बता दूँ, ये जो वीज़ा मैं प्रोसीजर दिखा रहा हूँ ओनली फॉर टूरिस्ट वीज़ा के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया। नेक्स्ट है लास्ट नेम एंड सरनेम मैंने डाल दिया। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो मैंने डाल दिया परमानेंट एड्रेस। गाइस, ये मैं एक एग्जांपल के तौर से ले रहा हूँ। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मैंने डाल दिया। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर और अपार्टमेंट एंड एड्रेस, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आता है एड्रेस इन बांग्लादेश। जैसे कि टूरिस्ट वीजा है तो आप ऑब्वियसली घूमने जा रहे हो, यहाँ पर कोई आपका रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स का उनका एड्रेस नंबर जो भी सब मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप होटल बुकिंग, जिस होटल बुक कर रहे हो उस होटल का इतने सारे डिटेल्स आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर इन बांग्लादेश का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप दे दीजिए। ठीक है, मैं दे दिया, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर से ले रहा हूँ। ठीक है, आप जहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हो। जिनके घर पे जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देता हूँ। नेक्स्ट आता है सेक्स, वो है मेल। प्लेस ऑफ बर्थ गाइस आपका पासपोर्ट में है, उसी हिसाब से आप जो भी है उसी हिसाब से आप यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ आप चूज़ कर लीजिए। देन आता है कंट्री ऑफ बर्थ, ऑब्वियसली इंडिया, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते आपको प्रेजेंट नेशनलिटी और नेशनलिटी एट बर्थ, वो ऑटोमेटिक आपको इंडिया आ जाता है। देन आता है ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपके हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर अगर इसमें आपको देख रहे कि आप के हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर अदर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है,
अगर मैच नहीं कर रहे आपके हिसाब से तो वहाँ पर उसी हिसाब से आप यहाँ पर अदर पे क्लिक कर सकते हो। देख सो नीचे अदर, इस अदर पे क्लिक कर सकते हो। देन मैरिटल स्टेटस एंड उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है यहाँ पर भी आप अदर क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है अदर्स, ऊपर भी आपको अदर्स लिखना होता है। ठीक है, ये आगे ये वाला फॉर्म हमने फिलअप कर लिए। देन उसके बाद चलते हैं सेवन नेक्स्ट पे। सेवन नेक्स्ट करते ही हम आ चुके हैं, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वीज़ा एनरोलमेंट। तो हमें न्यू वीज़ा एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना न्यू वीज़ा एप्लीकेशन पे। देन चले जाते हैं सेवन नेक्स्ट पे। उसके बाद आपको ये वाला लॉग इन एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, इसको आप कॉपी करके कहीं पे रख लीजिए। नेक्स्ट आता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आता है पासपोर्ट नंबर, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आप दे दीजिए। उसके बाद आता है पासपोर्ट टाइप, कौन सा टाइप का पासपोर्ट है आपके पास, ऑर्डिनरी। देन आते हैं पासपोर्ट टाइप और अदर्स, यहाँ पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्लिक भी नहीं होगा। देन आता है प्लेस ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट में होगा उसी पासपोर्ट में जो प्लेस ऑफ इशू लिखा है, आपके पासपोर्ट कहाँ से इशू किए थे वहाँ पर आपको आपके पासपोर्ट में लिखा होगा उस। देन आता है प्लेस ऑफ इशू, वो आपको पासपोर्ट में होगा उसी हिसाब से यहाँ डाल दीजिए। देन आता है डेट ऑफ इशू, कौन से डेट पे आपने इशू किए थे अपना पासपोर्ट। एंड देन डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पासपोर्ट में एग्जैक्ट वैसे की वैसे देना। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन आता हैव यू विजिट टू बांग्लादेश प्रीवियसली, मतलब इससे पहले आप कभी गए हो। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा। अगर आप गए हो तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं नहीं गया था, मतलब मैं मुझे नो पे क्लिक करना है। एंड देन मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है जिन लोगों ने पहले बार गए हैं उन लोगों को ये बार लास्ट का वीज़ा नंबर फॉर्म शो देना होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सेवन नेक्स्ट पे। उसके नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसको आपको स्किप करके आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया न्यू वीज़ा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला ऑप्शन है पर्पज ऑफ विजिट, तो मैं घूमने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली टूरिज्म सिलेक्ट करूँगा, टूरिज्म। एंड देन स्पेसिफिक अदर पर्पज, तो यहाँ पर आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिख भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर स्पेसिफिक अदर पर्पज में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज्ड स्टे इन बांग्लादेश, आप कितने दिन के लिए बांग्लादेश रुकना चाहते हो। तो मैं पर वन मंथ के लिए प्लेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, वन मंथ। यहाँ पर आप ईयर मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं मंथ वन मंथ कर दिया मैंने। देन टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल इन बांग्लादेश, मतलब आप किस डेट में आप जाना चाहते हो। तो मान के चलो आज ये डेट 3 नवंबर, तो मैं मान के चलो मैं 10 नवंबर को जाना चाहता हूँ। ठीक है, एंड देन इंटेंट नंबर ऑफ एंट्रीज, आप कितने एंट्री लेना चाहते हो, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, री एंट्री या डबल। तो मैं ऑब्वियसली मैं एक बार मतलब सिंगल एंट्री में लेना चाहता हूँ, मैं सिंगल एंट्री पे क्लिक करूँगा। आपको मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ गए। सो यहाँ पर बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम विच बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस यू वांट टू टेक वीज़ा, मतलब आप कौन से, जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मेरा जो नियरेस्ट ऑफिस है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वो है कोलकाता नियरेस्ट, तो मैं इसलिए मैं कोलकाता चूज़ करूँगा। आप जिस भी स्टेट से हो इंडिया से, आपका जो नियरेस्ट है वो वाला आप चूज़ कीजिए। मैं कोलकाता चूज़ करूँगी, कोलकाता मेरे से पास पड़ेगा, मैं कोलकाता चूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, ये आ गया सेव एंड नेक्स्ट। तो लास्ट वाला ऑप्शन में आपको देखना होता है कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यहाँ पे जितने सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि पासपोर्ट कॉपी एंड लास्ट वीज़ा एंड लास्ट अराइवल पेज, ये मेरे पास है। देन बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में क्लिक करूँगा एंड फोटो, ये तीनों चीज़ें हैं। ये तीन यहाँ पर जो जो आपने टिक किए हो, ये आपको क्या होता है, आप जब
फिजिकली जब जाता हूँ मैं, जैसे कोलकाता बिजनेस एप्लीकेशन सेंटर में जिस दिन जाऊँगा मेरा अपॉइंटमेंट रहेगा, उस दिन मैं जाके ये तीनों चीज़ जहाँ जहाँ मैंने टिक किया, आप भी जिस जिस ऑप्शन में टिक कीजिएगा, वो वाला डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है, उनको शो करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो जो चीज़ आपके पास है उसी हिसाब से आप टिक कीजिए, उसी ऑप्शन में आप टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं 7 नेक्स्ट। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर आप जो जो डाटा अब तक आपने डाले पूरा डाटा आप चेक कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बांग्लादेश का, बांग्लादेश का एड्रेस, सब कुछ फिर से एक बार चेक कर लीजिए। क्या पता कभी कभार गलत भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लास्ट टाइम आप यहाँ पर रीचेक कर सकते हैं, इसके बाद आप रीचेक नहीं कर सकते। तो ये वाले ऑप्शन आप सही से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपने चेक कर लिए, तो चेक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड MRV फॉर्म। तो आप डाउनलोड MRV पे क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए। निकाल के जिस दिन आप जाएंगे ऑफिस में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, उस दिन जो प्रिंटआउट उनको दिखाना होता है, उसके साथ साथ आपको दो पासफोटो भी अटैच करना होता है, दो पासफोटो और जितने सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर दे दिए, जैसे पासपोर्ट, आपके जो अपने ऑप्शन जो चूज़ किए, जो बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर देना होता है, शो करना होता है। ध्यान रखिए जब जिस दिन आप जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, जितने सारे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना था, उसके साथ उसका जेरोक्स भी, फोटो कॉपी भी लेके जाना। तो गाइज ये कुछ था बांग्लादेश वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते घर बैठे बैठे सिंपली वे से। आई होप आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सही तरीके में आपको समझा पाया हूँ। अगर किसी भी तरीके आपका डाउट है इसके रिगार्डिंग, कि कोई भी ऑप्शन मेरे से छूट गया, तो आप मुझे कमेंट्स में बेझिझक बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।